प्रदेश की गठबंधन सरकार के जूनियर पार्टनर जननायक जनता पार्टी ने अपनी चुनावी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। मंचों से मिशन 2024 का नारा देने वाली जजपा ने मंगलवार को पानीपत के समालखा में अपने इरादे साफ कर दिए। एक तरह से पार्टी अपनी जड़ों को और मजबूत करने निकल चुकी है। जजपा के प्रधान महासचिव का संबोधन कल की वानगी आज ही पेश कर रहा है। मिशन 2024 के तैयारी या मंचों से यह आह्वान होता है कि मिशन 2024 आज अपने मुख्यमंत्री भी बनाने की बात की है, तो उस नहीं वो प्रक्रिया तेजी से शुरू हो चुकी है। निश्चित तौर पर हम अपनी पार्टी के नेता, हम सबके लाडले हरियाणा के सपुत्र दुष्यंत को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमारी पार्टी का मिशन उनको आगे ले जाने का है, हरियाणा भी चाहता है और ये अवसर 2024 में मिलेगा ऐसी। दरअसल अपने मजबूत आधार, ग्रामीण अंचल के लोगों से जनसंपर्क बढ़ाने और पार्टी के मिशन को पूरा करने का जिम्मा उठाए जजपा प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला समालखा के जाट बाहुल 6 गांव के दौरे और ग्रामीणों की समस्याएं सुनने पहुंचे। अगर गठबंधन बना रहा तो पार्टी समालखा सीट पर अभी से अपना दावा कर रही है। दिग्विजय ने अगले चुनाव में जाने से पहले बुढ़ापा पेंशन 5100 रुपए करने और अभी पेंशन कटने की जो आशंका दिख रही है उसे निपटाने का भरोसा दिया। अपनी 90 में 10 सीट है, 45 नहीं है, मगर फिर भी इस लड़ाई को लड़ते हुए 500 रुपए तो बढ़वाई और आज आपके बीच में करहंस में कह के जा रहा हूं कि 5वें साल जब देवेंद्र जी और हम वोट मांगने आपके बीच में आएंगे तो 5100 का वादा पूरा कर करके आएंगे। इस मौके पर मौजूद राज्य मंत्री अनूप धानक ने अधिकारियों को समस्याएं जल्द दूर करने के आदेश दिए। पिछला विधानसभा चुनाव पानीपत ग्रामीण से लड़ चुके देवेंद्र कादियान की अब समालखा सीट पर नजर है। लगता है जैसे आप खुद भी मानते हो कभी कभी नई पिच आपके लिए तैयार की जा रही है। नहीं, जो पार्टी तय करेगी हम उसमें तैयार हैं और जहां जहां ड्यूटियां लगेंगी, चाहे समालखा है, ग्रामीण है, जहां भी पार्टी ड्यूटी लगाएगी हम सदैव पार्टी के साथ तैयार हैं। यानी आज प्रदेश की बीजेपी नेतृत्व वाली सरकार की जूनियर पार्टनर जजपा दोनों तरह से अपनी रणनीति बना रही है, अकेला चलो और बीजेपी के साथ ही गठबंधन जारी रखने की भी मंशा, पर सब कुछ हालात और तब की चुनावी पिच को देखकर ही आगे बढ़ा जाएगा। देश में जब दल बदल का जिक्र होता है तो पानीपत के समालखा का नाम लिया जाता है, क्योंकि यहीं से आया राम गया राम शुरू हुआ। जननायक जनता पार्टी ने आज उसी समालखा से अपने मिशन 2024 के नारे को आगे बढ़ाने का आह्वान किया है। जाहिर है पानीपत की 4 विधानसभा सीटों में से 2 सीटों पानीपत ग्रामीण और समालखा सीट पर पार्टी की नजर है, जिससे लगता है कि यहां दोनों सीटों पर समीकरण बदल सकते हैं। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज़, समालखा पानीपत।